मुरली क्या बात होगी? ए बेटी सिर में दर्द हो रहा है, तेरे दर्द ने खून खा लिया है। कदे तेरा पेट में दर्द, कदे तेरा सिर में दर्द, यो धंधा कौन पिटेगा? बेटी आज आज तू कर ले, मेरे पे उठा है कौन जा? तेरा तो रोज का ये धंधा हो रहा है, कौन बने मेरे पे खड़ी हो जा? तू खानन को देखन, तू भर भर थाल जीम जा कि मैं ना आ जा तेरे। ए बेटी ए गुण सा की दे दे, गोली ले लूं फिर लाग जाएंगी। हां चिन्नी पति नो ही आवे से मेरा से के भाव रही से, मिनट मिनट में चाची शाम ने बने गिरचा और खड़ी होगी, अब झाड़ू काट ले। हाय बेटी मेरी हिम्मत को नहीं, तेरी हिम्मत का दे हो भी को नहीं, इस घर में बड़ी ना उस दिन देख लाग तेरे ढूंढ रे, खड़ी होगी धंधा पेट ले प्यांगी दिस नच्चा चाहिए काम का अच्छा की राजी को नहीं। ठीक से बेटी फिर तुम मने एक कप चा का तो पिया दे बेटी। चाय पिया दे तेरा बेटा आने वाला से फिर बनाऊंगी बार बार कोंटो पे चले। माँ तू झाड़ू का लाग रही सालू कित गई, वारा निकाल लेती तेरी हारी बीमारी की देश है काम खाई कित। बेटा वाह शालू शालू काम लाग रही थी शालू, जब मैंने सोची मैं काट दू। माँ दर्दे तू आज आड़ू ने राजा बैठा आराम कर, वह काम कर कब कर ले काम है, तू घड़ा काम कर ना बच जा कर, आजा बैठ तू। मैं भी माँ से नहीं आए बात कहूँ थी, पर माँ जी के किसी की मन से काम पड़ा दिखे पाछा था ये राम के बिना सुने। सही कहा है माँ सालू, काम दिखा पाछा तू रुका हा, घाम गर्मी में लग गई रास हा, आजा तू आराम कर कर लेगी बिया। ठीक से तुम बैठो मैं चाय बना ले हूँ। आले बना ले आजा बैठ माँ। देखिया सालू बढ़िया है ना, काम छोड़ कर भाज गई चाय बनाने खतरे गई है तेरे खतरे, और तू कहने काम में अपना मन ना मारिया करी भी। ठीक है आराम करिया कर, आराम करने के दिन सही तेरे। मैंने सोचा ठाली बैठी कि मैं हाथ पल्ला लाऊंगी तो दे ही खुली रहेगी, और ही हम दे खाम खाए पड़ जाएगी फिर तू ना और दूनी सेवा करनी पड़िया करेगी तेरी। हाँ बेटा सेवा की तो क्या बताऊँ, इतनी सेवा करे है इतनी सेवा करे है, कोई बहू कर दी को नहीं होगी आपकी सासू की। हेलो दोस्तों क्या आपका कैरियर ग्रो नहीं हो रहा, या फिर अपने करंट काम से खुश नहीं है और उसे बदलने की सोच रहे हो, या फिर आप फ्रेशर हो जिनको बड़ी कंपनियों में जॉब मिलना उसका सपना लग रहा है, तो इन सब इशू का सोल्यूशन है रिलेबल बाय एन एकेडमी। यकीन नहीं हो रहा, देखिए मुरला तेज को, इन्हें कॉर्पोरेट में अच्छी जॉब चाहिए थी और आज के दिन रिलेबल से नोवा बेनिफिट्स में सेल्स की जॉब ले चुके हैं, वो भी 77% सैलरी हाइक के साथ। फिर है वत्सल शर्मा जो कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, रिलेबल की मदद से विग्निफाई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जबकि डिग्री मैकेनिकल में है, और ये सभी कैंडिडेट आपकी तरह अच्छी जॉब लेना चाहते थे और इन्होंने ये कर दिखाया। रिलेवल से जॉब लेने के लिए एक्सपीरियंस बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं, बस एक टेस्ट देना है अपने ड्रीम जॉब पाने के लिए। यही नहीं रिलेवल सिलेक्ट से आप इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब ले सकते हो, वो भी एकदम मस्त पैकेज के साथ। इवेंट में किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री टेस्ट स्लॉट बुक करना होगा 6 से 10 जुलाई तक। आप भी इन्हीं कैंडिडेट की तरह टॉप से टॉप कंपनी में जॉब ले सकते हो। बेस्ट पार्ट है डेली टॉप स्कोरर को मिलेंगे 30,000 तक के अमेजन वाउचर, इवेंट टॉपर्स को मिलेंगे अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे आईफोन मैकबुक एप्पल वॉच, और इवेंट्स के 100 टॉप स्कोरर को मिलेंगे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। आप टोटल 19 कैटेगरी में अपना करियर बना सकते हो, एक्रो सेल्स प्रोग्रामिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट एनालिटिक्स HR एंड मैनी मोर। हाल ही में इन्होंने कंटेंट राइटिंग के लिए भी टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। रिलेवल आपकी भी लाइफ बदल सकती है जैसे तेज और वसल की बदली है, ये मौका मिस मत करो। रिलेवल सेलेक्ट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेस्ट स्लॉट बुक करो जल्दी से जाओ। ले मचा भी आ गई लो चा ले लो। अरे मैं तो रोटी खाता कोई नहीं बचा पी लो पच खा लियो रोटी ले ये रे पिए दर्दी भीतर ये रे पिए। हाँ माँ वृंदावन घूम का होगी बे कई दिन हो लिए कत्यान मान है किसी बावली बावली बात करो सो अपने गर्मी देखी से किस कड़ाके की पड़े से, अगर इस उम्र में ये ब्लू लाएगी ना थोड़े दिन में भी ना होगी बात। अरे माँ का मन करे था जाया होगी और तीर्थ पर जामता बुढ़ा आदमी बढ़िया हुआ से
घूमियान दे के बढ़िया हो सर। घूमेगा मैं तो मन ठीक ना हो और जड़ थी मन की बात से माँ की सेवा में कितने कमी ना छोड़ रही। बाहर तीर्थ को नहीं माँ खातर तो घर में तीर्थ बना रखा से मैंने ठीक है। और मेरी बात तो विश्वास ना होता तो माँ तक पूछ लियो क्यों माँ माँ आपकी सेवा नहीं कर दी ना बेटी तो सेवा घड़ी करे फिर मैं इन सोचा हूँ थोड़ा बहुत काम कर लूँ तो माँ तो नहीं जाओ तीर्थ पे ना बेटा बहू ने कह दिन मेरा तो उरा तीर्थ बना देगी तो पीछे फिर पीछे तो मैं दर दूंगी संभाल के इनकी चिंता ना करो। ले पी ली तो मामन दे दे कपे और तू कर ले आराम है ठीक से ठीक से बेटा। हाँ रोटी बना दे ले मैं खाऊं खा लिए वो जनक ने बोले थोड़ी बार आराम कर ले मैं तो जहाँ तक लौट गई थी। बेटा कह गया था ना तो बेटा जा भी लिया और था इतना बहुत लिया आराम आराम करना कितने गोली लग रही दो काम करे को अड़पटन लग जैसे। बेटी ये तू करन लग रही ना यो अच्छा कौन कर दी देखे कड़ा ज्ञान देने की जरूरत ना से ठीक से काम धंधा पेट ले दो टूक खाने से तो जे जनक ने बेरा लग गया ना फिर तू दुख भी पाओगी। और बताओगा कौन है सोच समझ का बोल रही है ठीक से के मैं नहीं बताऊं कि उसने बेरा को नहीं लग गया वो दिन आप देख लूंगी मैं ठीक से वो काम मेरा तेरा को नहीं ठीक से बेबे तेरे पड़ोसी है काम करवा लिया कि घर का काम करती रहो वैसे ये पड़ोसन तो मेरी बतेरी इज्जत करे है तू ये बेरा को नहीं के खार खाई मेरे बस बस बेरा से कितनी इज्जत छ तेरी काम धंधा पीट ले जाके लेगी खास पागी पड़ जाएगी। रोशनी इसी दोपहर में लगते तो होने लग रही बीमार होगी तो बहू कड़े गई बहू के करेगी अपना काम तो आप कर लिया ठीक से। ए बहू आ रही इतना काम तो बहू कर देगी इब तो बैठ आराम ते और आम फल है क्यों किसी के न्योरे काटे अपना काम आप कर लिया तू सुना क्यों कराने हो गए। मैं तो आया था शायद घड़ी बैठाएंगे रोशनी तो बात करांगे पर तेरी तो फुर्सत है कोनी बहू कड़े गई। बहू आराम कर रही है बहू आराम करे और सासू काम करे ठीक भाई अच्छा तो चलना कह तो तू ठीक के हैराम फड़े के बहू आराम करे और सासू काम करे फिर मैं किसने कहूँ मेरी तो कोई सुननिया भी कोनी बेटे ने कह दूँ तो बहू मेरे गले पाछत बेरा को नहीं के करेगी हर बेटा ने सोचा है मेरी बहू बेरा को नहीं कितनी सेवा कर दी होगी मेरी माँ की ऊपर ला जाने से अक बहू सेवा करे है माँ की अक माँ सेवा करे है बहू की हराम कहानी ने समझ में को नहीं आवे। कुया लागी थन बांडा के लागी रहगी के बेटी लाग तो रही है हूं लागली लागत टूक तड़के खवाओ गन बर्तना में अरे ये धोके मेरे ये कपड़े धो दिए। बेटी छो में क्यों आवे है रोज जन धो सु फिर रोज धो तो के शान करे से बहू नहीं सु तेरी फिर आज भी धो दूं बेटी कद धो देगी पर कुया प्रेस करूंगी कुया नहावांगे बर्तन धोगे रोटी खा ली फिर धो बस खवा दे पूरे दिन नाज की टंकी और इसे के मैं रोटियां जो गए काम कौन कर दी खान का नाम लियो और इस बहू के तेल भर के छिट्टे लग गए बस सार दिन काम काम और कुछ नहीं। ओहो तो या से भी गन की जड़ मैं भी नहीं सोचूं बूढ़ ली दोपहर में क्यों लगी रह से या सारे दिन कब कपड़े धोने कब बर्तन धोने ये न्यू ही लागी रहे से देख इसने शर्म ना हो माँ समान सासू धो रहे इतना काम करवाओ से वो भी इतनी दोपहरी में
और इससे ज्यादा शर्म तो उसकी जनक की भाजरी से, वो यूं नहीं सोचे आप मेरी माँ पर के बीत रही से। मैंने मिलेगा जब बताऊंगा उसने। रोटी मेरे पे के पुए बेटी क्यों तेरे पे क्यों ना बूंदी तेरे के आग लागी बे ए मैंने गैस पे रोटी पोनी ना होवे तो चूल्हा के चला गया चूल्हा पे छेत ले बेटी तन मेरा है मेरा आड़ को तपत लग गए हैं सांस की मेरा बीमारी धुमा चढ़ जा मगज में डट जा कोमल के ली तना बहने चाहिए काम ना करण के बेटी मेरे तना पुए रोटी तू कहना पो है तेरे तो देर तभी रोटी पोंगी चल आगे नहीं देख के बाउंड रखन दाव है ये बोल रही की तक तू मुके 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 मानना छे समझ में नहीं आई तेरे में कैवड़ी ए बेटी ना पो हजार बार समझा ली सुनो क्या कर रही है तू यो हैं तेरा शर्म नहीं आई तेरा शर्म नहीं आई मेरी माँ पर मान ली धमतिया ने हैं अरे वो का राम पढ़ने मिलती बताई तो थी पर मैंने उसकी बात का विश्वास ना कर मैं तो नुसर तो 10 सालों सेवा करे है पर तू तो ये तजाद करने लग रही मेरी माँ पे शुक्र से भगवान का जो मैं आ गया और मैंने मेरी अक्का थी देख लिया आज तेरा मैं सही इलाज करूंगा अरे मार तुझे मैं गंडा बंद दूंगा रुके माँ खड़ी हो अरे माँ तेरे ती इतना दुख देने लग रही तू बता भी सका थी मेरे ती ये बात लगोन की हो है के बेटा मैंने बताने की बहुत कोशिश करी मेरे ऊपर अन्नू खड़ी रहती इसने मैं खड़ी करवाऊंगा ये इसका तो इलाज मांग मांग माफी मेरी माता मांग निकल जाए इस घर से बाहर ये तेरे आंसू ना चले और गिड़गिड़ा रहे माँ तू मन निकाल दे आज इसने बाहर ना बेटा मैं किरा कह दिन की हूँ अरे थारा उगदा सूरज बेटा थारा के जिंदगी पड़ी है मन दो रोटी चाहिए मैं कितने और खा लूंगी तारा घर ना उजाड़ बेटा कितने और क्यों खा लेगी माँ तू यहाँ खाओगी कितने और रोटी दो ठीक है यहाँ निकलेगी आज घर से बाहर ना बेटा कोई बात नहीं गलती होगी बालक से माँ मैंने माफ कर दो मेरे पे गलती होगी बेटी मना को नहीं बताई जनाका माँ सारी गलती मेरी से मैंने इसे इस बार माफ कर और ये तेरी गलती कौन नहीं माफी मिला माँ इसने बाहर काट ना बेटा मेरा सब मेरा दी जना माफ कर दे एक बारी एक मौका और दे दे बेटा कोई बात नहीं मेरे कारण तो माफ कर दे बेटा माँ तू क्या है अरे माँ इसने इतने अत्याचार करे तेरे पे अरे तू नु का माफ कर दे कोई बात नहीं बेटा मैंने सहन कर लिए न मैंने कितना दुख हो मैं तेरी खातिर सहन कर सकूँ फिर मैं तेरा घर उजड़ता ना देख सकती बेटा माँ या माफी का लायक कोई नहीं आगे फिर करेगी इसे काम है बेटा तने मेरी सुलग तू माफ कर दे ठीक सा माँ जब तू ही कहे तो मांग ले माफी माती